हमारे साल भर के जो सबसे बड़े महापर्व के रूप में हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, वह 5 दिन का महापर्व होता है। इस 5 दिन के महापर्व का आखिरी जो 5वां दिन होता है उसको हम भाई दूज के नाम से मनाते हैं। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। इनको यम द्वितीया के नाम से भी जानी जाती है। इनका आरंभ हुआ था यमराज और उनकी बहन यमुना के द्वारा। बहुत लंबे समय पश्चात यमुना के घर में जब उनके भाई यमराज पहुंचते हैं तो यमुना ने उनको सुंदर एक आसन पर बिठा करके उनकी आरती उतारती है, तिलक लगाती है और अपने हाथ से सुंदर सुंदर पकवान बना करके अपने भैया को सुमधुर भोजन कराती है, जिससे यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। तो यमुना बोलती है कि भैया, आज के दिन जो बहन अपने भाई को इस तरह से तिलक लगा करके आरती उतारे और उनको अपने हाथ से बना करके भोजन कराए तो उनको आपका भय ना हो, क्योंकि दुनिया में सबको मौत का, मृत्यु का डर है और यमराज उनके देवता है। तो यमराज अपनी बहन के इस तरह की बातों को सुन करके यमुना को आशीर्वाद देते हैं कि बहन, आज से जो भी बहन अपने भाई को इस दिन तिलक लगा करके आरती उतारेगी उनको मृत्यु का भय, यमराज का भय नहीं रहेगा। तब से लेकर के आज पर्यंत दीपावली के 5 दिन के पर्व के आखिरी दिवस में भाई दूज के रूप में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें सभी बहनें अपने भाई को तिलक करके आरती उतारती हैं और अपने घर में सुंदर अपने हाथों से पकवान बना करके खिलाती हैं। भैया एक सामाजिक पारिवारिक पर्व है, इसमें मुहूर्त की विशेषताएं नहीं रहती है, इसमें केवल स्नेह का बंधन है। भाई किसी भी समय पूरे दिन पर्यंत अपने बहन के घर जा सकता है, इससे सामाजिक पारिवारिक जो है प्रेम जो है बढ़ता है, इसलिए इनके मुहूर्त का कोई इस दिन विशेष योगदान नहीं रहता है।